पुणे के अध्यक्ष श्रीमान अनिल शिरोळे जी और इतनी बड़ी संख्या में पधारे हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, छत्रपति शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार। पुणे एक ऐसी पवित्र भूमि है जहां से सदियों तक आक्रांताओं के खिलाफ जंग चलता रहा, विदेशी ताकतों को परास्त करने का सामर्थ्य इस पुण्य भूमि से प्राप्त होता था। पुणे की धरती से लोकमान्य तिलक जी ने ललकारा था और अंग्रेज सल्तनत के सामने ललकारा था, संकटों की संभावनाओं के बीच ललकारा था और लोकमान्य तिलक ने मंत्र दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आजादी के 60 साल हो गए, आज फिर से एक बार पुणे की धरती से आवाज उठनी चाहिए। लोकमान्य तिलक जी ने कहा था, स्वराज मेरा अधिकार है, फिर से एक बार पुणे ललकार रहा है, सुराज्य हमारा अधिकार है। स्वराज मिला लेकिन सुराज नहीं मिला। पुलिस के मित्रों, आप चिंता मत कीजिए, कोई कठिनाई होगी तो मैं आपके मुख्यमंत्री जी से बता दूंगा। मित्रों, आज देश की सभी समस्याओं की जड़ में पिछले 60 साल में कांग्रेस पार्टी के परिवारवादी राजनीति ने देश के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को, सामान्य मानवीय के सपनों को नोच दिया है। कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड माना है। उनको लगता है कि चुनाव जीतने के कर्तव्य करते रहो, वोट बैंक की राजनीति करते रहो, चुनाव आने पर कभी इस तबके को कभी उस तबके को टुकड़े फेंकते रहो, वोट बटोर लो और फिर 5 साल अपनी मर्जी के मुताबिक ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते रहो।
यही किया इन लोगों ने, और उसी का कारण है कि आज देश इन संकटों को झेल रहा है। हिंदुस्तान के बाद जो देश आजाद हुए, छोटे छोटे देश, वे भी आज समृद्ध देशों की बराबरी कर रहे हैं। एक हम ही हैं जो हर दिन गिरते ही चले जा रहे हैं, गिरते ही चले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, यह देश जब आजाद हुआ उस समय एक रुपये की कीमत एक डॉलर के बराबर होती थी। देश जब आजाद हुआ तब डॉलर और रुपये की कीमत दुनिया के अंदर समान थी मित्रों। आज रुपये की कीमत दिनों दिन टूटती चली जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से भारत के वित्त मंत्री की उम्र के तक पहुंच जाएगी। एक डॉलर 60 रुपये, और वो भी जब देश के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र के विद्वान है। ये कौन सा अर्थशास्त्र भाइयों बहनों, ये कांग्रेस एक ऐसी धारा है कि अच्छे से अच्छा अर्थशास्त्री भी अनर्थशास्त्री बन जाता है। एक कांग्रेस की धारा ऐसी है कि वहां कोई भी गया वो तबाही के रास्ते पर ही चल पड़ता है और देश को चलने के लिए मजबूर करता है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब तक हम कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण नहीं करेंगे, यह देश समस्याओं से मुक्त नहीं होगा। यह देश संकटों से मुक्त नहीं होगा। कोई मुझे बताए, 125 करोड़ का देश, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, पूरे विश्व में इतनी बड़ी खरीद शक्ति रखने वाला देश, उसकी तुलना में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, छोटे छोटे देश, उनकी करेंसी टूट नहीं रही है, उनकी करेंसी की ताकत गिर नहीं रही है। क्या कारण है? अकेले हिंदुस्तान का रुपया बाजार में अपनी साख खो रहा है, अपनी ताकत खो रहा है। मित्रों, रुपया ताकत इसलिए खो रहा नहीं है कि रुपये का साइज बदल गया है। रुपया ताकत इसलिए नहीं खो रहा है कि रुपये की डिजाइन बदल गई है। रुपया ताकत इसलिए खो रहा है कि दिल्ली में बैठे हुए लोग खाने में लुटाने में इतने डूबे हुए हैं कि उनको देश के रुपये को बचाने की फुर्सत नहीं है, और उसके कारण यह हालत बनी है। मैं दिल्ली की सरकार से और मैं देश के मीडिया से भी प्रार्थना करता हूं, मैं देश के अर्थशास्त्रियों से प्रार्थना करता हूं, मैं देश के पॉलिटिकल पंडितों से प्रार्थना करता हूं, अगर आप इतने स्वतंत्र हैं, अगर आप इतने सामर्थ्यवान हैं, अगर आप
लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो एक बार तो कांग्रेस के नेताओं को पूछो तो सही, उनके अध्यक्षा को पूछो तो सही कि आपने 35 साल पहले गरीबी हटाने का नारा दिया था, उस काम का क्या हुआ, कोई तो हिसाब मांगो। मेरे पुणे कर भाइयों बहनों, मुझे बताइए क्या कांग्रेस ने हिसाब देना चाहिए कि नहीं, कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए कि नहीं। गरीबी हटाने का वादा किया था, वादा निभाया, क्या देश के साथ ये धोखा नहीं है, ये देश के साथ विश्वासघात नहीं है? और इतना ही नहीं, बेशर्मी की सीमा देखिए, कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी में शर्म नाम का कोई एक बूंद भी, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है मित्रों। जिन्होंने गरीबी हटाने का नारा दिया था, इस देश का गरीब, गरीबी से मुक्ति मिलेगी, इसके लिए बेचारा आशा के साथ कांग्रेस के डिब्बे भरता रहा, बटन दबाता रहा, पंजा कंधों पर लेकर के घूमता रहा। और अब क्या आया, कांग्रेस के लोगों ने इनडायरेक्टली स्वीकार कर लिया है कि गरीबी हटाना हमारे बस का रोग नहीं है, हम गरीबी नहीं हटा सकते हैं। अब क्या करेंगे, गरीबी तो नहीं हटा सकते मित्रों। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के बहुत बड़े बड़े महल हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े किले हुआ करते थे, और आज जब उनकी पांचवी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी जो जिंदा है, वो कभी यार दोस्तों को ले जाते हैं उन खंडहरों को दिखाने के लिए, देखिए हमारे दादा के दादा के दादा राजा महाराजा थे, ये महल उस जमाने में बना था, ये खंडहर है, आपको दिखाने ले जाता हूं, ये किला उनके जमाने में बना था, मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूं, अपने पूर्वजों के पराक्रम को दिखाने के लिए, वर्तमान पीढ़ी के राजा महाराजाओं के परिवार के लोग अपने परिचितों को, विदेश के मेहमानों को ले जाते हैं। भाइयों बहनों, उस परंपरा को कांग्रेस पार्टी भी निभा रही है। इस देश को सरकार देने वाले प्रधानमंत्री पद एक की परिवार के लोग बैठे हुए, उनका पराक्रम है लोगों को गरीब रखना, गरीबी बढ़ाना, और इसलिए उनके साहजादे गरीबों के घर में जाकर के रात गुजारते हैं, मीडिया वालों को बुलाते हैं कि ये मेरे पूर्वजों का पराक्रम देखिए, ये मेरे पूर्वजों का पराक्रम देखिए, देखिए हमने क्या किया है, ये काम कर रहे हैं मित्रों। इतना ही नहीं मित्रों, उन्होंने गरीबी हटाने के लिए कहा था, गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीब को कांग्रेस के शासन में दो टाइम भोजन भी असंभव हो गया, और इसलिए कांग्रेस पार्टी को इस बात को स्वीकार करना पड़ा है कि कांग्रेस ने तय किया है कि गरीब की थाली में चपाती दे पाए या न दे पाए, रोटी सब्जी दे पाए या न दे पाए, कम से कम एक कानून का कागज तो पकड़ा देंगे, उसकी थाली में परोस देंगे, शायद उसका पेट भर जाएगा। मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं, कुछ ही दिनों में पार्लियामेंट का सत्र मिलने वाला है, अगर पार्लियामेंट सत्र मिलने ही वाला है
तो आपको संसद में को विश्वास में लेकर के एक स्वस्थ बहस करके उसकी जो कमियां हैं कमियों को दूर करके एक अच्छा फूड सिक्योरिटी बिल लाने के बजाय आपने ऑर्डिनेंस की जल्दबाजी क्यों की? आपको मालूम है मित्रों क्यों की? ऑर्डिनेंस की जल्दबाजी इसलिए की है कि उनको यूपीए के अपने पार्टनरों पर अपने साथियों पर भरोसा नहीं है, उनको भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि पार्लियामेंट में हम बिल लाएंगे, बहस होगी और यूपीए की मदद से पारित हो जाएगा तो इस बिल की क्रेडिट साथी दलों को भी मिल जाएगी। ये साथी दलों को क्रेडिट न मिले, उनके प्रति समाज में अविश्वास का माहौल बने, सारी क्रेडिट खुद के खाते में जाए, इसलिए संसद का भी अपमान, यूपीए पार्टनर का भी अपमान और ऑर्डिनेंस ला करके सारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नकार देने का पाप ये दिल्ली की सरकार कर रही है। और भाइयों बहनों, कोई भी काम दिल्ली में पूछो तो सब दूर हमने ये एक्ट लाए, हर बार ये बताते हैं हमें ये एक्ट लाए, वो एक्ट लाए, ढिकना एक्ट लाए, फलाना एक्ट लाए। देश इनको पूछ रहा है, भाई ये तुम्हारे एक्ट के गीत तो बहुत सुने, फलाना एक्ट, ढिंकना एक्ट, ये एक्ट, वो एक्ट, ये सब बहुत सुना, अब देश उससे तंग आ चुका है, देश को एक्शन चाहिए, एक्शन चाहिए, एक्ट बहुत देख लिए, देश को एक्शन चाहिए।